बच्चों आप देखिए अपन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पूरे मैथमेटिक्स नंबरों के हिसाब से ही टिकी हुई है। आपको मालूम है ना नंबर एक बहुत ज्यादा मैजिक चीज भी होती है। मैजिक कैसे होते हैं नंबर आपको मालूम है। जैसे अपन लिखते हैं फोर ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं, थ्री स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं, और भी कई तरह के मैंने आपके लिए इससे पहले बताया। इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले आज अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स नेम के बारे में देखेंगे। कोई भी नंबर अपन जब लिखते हैं तो आपको मालूम है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, टेन लेख, इस तरह से संख्याओं में आपको लिखते हैं। ये आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट मान लीजिए ये चलता है, मैंने एक संख्या लिखी 2567, ये संख्या आपको मैंने लिखी। अब इस संख्या के अंदर आप क्या देखेंगे, अपन इसके अंदर ये संख्या को पढ़ के देखेंगे अपन। देखो मैंने आपको समझा था 1, 2, 3 के बाद क्या लग जाता है, कोमा लग जाता है। आप क्या पढ़ेंगे इसे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। इट मीन्स क्या हुआ, ये 2567 ये नंबर हुआ। अगर इसके अंदर अपन एक और वन लगा दें तो ये क्या हो गया, 12567। अगर मान लीजिए एक संख्या और लगा दें तो देखिए आप 3 के बाद डेसिमल, 2 के बाद कोमा लगता है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 5, 10, 100, 1000, 10000 ले। अभी क्या हुआ, 7 ले, 12567। इस तरह से आपको मैंने इसका रिवीजन कराया है। क्या कराया है, रिवीजन कराया है। अब आप देखिए मैं आपके लिए एक फिगर लिखता हूं 4, 3, 2, 7, 8, ये फिगर मैंने आपको लिखा। अब अपन इसके क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू। अब मान लीजिए इसके अंदर 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। 2 की प्लेस इट मीन्स क्या हुआ, 2 कौन से नंबर पे आता है। देखो 1, 10, 100 नंबर पे 2 आया है तो ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इसके अंदर 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू 2 रहेगी। देखो बच्चों अपना फेस बदलता है कि कभी नहीं, लेकिन अपना प्लेस बदल जाता है। प्लेस कैसे बदलता है, ये 2 पति यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, इसलिए इसका प्लेस बदल जाता है। तो प्लेस वैल्यू बदलती रहती है। जैसे 4, 2, 3, 7, 8 अभी देखिए आप 2 का आ गया, 1, 10, 100, 1000। अब क्या हो गया, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2000 हो गई। तो क्या हो गई, प्लेस वैल्यू बदल गई, लेकिन इसकी भी फेस वैल्यू क्या, ये तो है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 2 की, और ये क्या है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, और इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, वो भी 2 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो गई, बदल गई, बदल गई ना। अब यदि ये आ जाता तो ये 2 के आगे 4 0 लग जाती ना, और 20000 हो जाता। आपने समझा होगा बहुत अच्छे ढंग से कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे आप एक्सपेंडेड फॉर, चलेंगे एक्सपेंडेड फॉर नंबर्स के अंदर एक्सपेंडेड फॉर, एक्सपेंडेड फॉर, एक्सपेंडेड फॉर के अंदर मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 ये लिख दिया। अब मान लीजिए इसकी क्या हुआ, देखिए आप सबसे पहले आप छोड़ लीजिए 2345 ये संख्या। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, देखिए 2 क्या 1, 2, 3 यानी 2 की प्लेस वैल्यू
कौन सी है, 5 10 100 1000, तो टू तो हो गया 1000 का। 3 की प्लस कर दिया 5 10 100, 300 हो गया। 4 की प्लस कर दिया 1 10 40 हो गया, और प्लस 5 हो गया, ये क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई ना। और एक्सपेंडेड फॉर्म से अगर इसके लिए कन्वर्ट करना है तो इन सब फिगर को आप प्लस करके इसमें इसे फॉर्म में ला सकते हैं। तो आपने देखा पहले क्या समझा था अपन, नंबर्स नेम को किस तरह से करते हैं, न्यूमरल्स नेम लिखते हैं न्यूमरल्स उसको कैसे पढ़ते हैं, और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, अपन ने पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। तो कौन सी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हो आप, 25,247, देखो ये 25,000 लगा सकते हो, और 200 लगा सकते हो, प्लस 40 लगा सकते हो, प्लस 7 लगा सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, 2 के आगे 1 2 3 4 प्लस 5 के आगे 1 2 3 हो गई, और 2 के आगे 200 प्लस 40 प्लस 7, ये क्या हो गए सारे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए, हो गए ना। तो इस तरह से आपने 3 चीजों को देखा, क्या क्या देखा आपने, पहले आपने संख्याओं को पढ़ना देखा, नेक्स्ट में आपने देखा प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, और फिर उसके बाद आपने देखा एक्सपेंडेड फॉर्म।